ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू करने के लिए हस्तक्षेप करते हुए विशेष रास्ता निकाला और सीधे तौर पर पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक करते हुए उनकी अपनी गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल पंप तक पहुंचाने को लेकर प्लान को जमीन पर उतारा। IOCL टर्मिनल के बाहर चल रहे ट्रक चालकों के भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के लिए टैंकर IOCL टर्मिनल के कैंपस में दाखिल किए गए। 65 टैंकर IOCL टर्मिनल में पहुंच गए, जिन्हें लोड करने के बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पेट्रोल पंप तक ले जाने को लेकर भी पूरा इंतजाम किया गया है। नेशनल लेवल पे जो ट्रकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स हैं, उनकी यूनियन ने एक स्ट्राइक कॉल की है पूरे भारत में। उसका प्रभाव ऊना में भी दिख रहा है। तो इसमें हमने डीलर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जितने भी लोकल डीलर्स हैं और जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के डीलर्स हैं जो अपनी गाड़ियां यहां टर्मिनल पे भेजना चाहते हैं रिफिलिंग के लिए, उनको पुलिस प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की गई है। टर्मिनल पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और जो इन डीलर्स हैं जो स्ट्राइक से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी गाड़ियों के आने जाने पे कोई पाबंदी या रुकावट नहीं है। हमने उन सभी को आश्वस्त किया है कि आप अपनी गाड़ियां जो है यहाँ रिफिलिंग के लिए भेजें और हम उनको पुलिस सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करा रहे हैं। सर, ये गाड़ियां बिल्कुल धक्के से लेके जा रहे हैं, इनके साथ पुलिस प्रशासन बिल्कुल लड़ा हुआ है जी। हम सब ड्राइवर एक हैं, जहाँ पे 4 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, आज इन्होंने धक्के से गाड़ियाँ अंदर बढ़ी हैं और सभी ड्राइवरों के साथ धोखेबाजी की है उन्होंने। हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, हम घर रात मुका के गाड़ी नहीं रहे हैं। जितने जहाँ पे ड्राइवर बैठे हैं कोई पागल नहीं है, जहाँ पे सारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ तक कि पूरी ऑल इंडिया के ड्राइवर सारे जहाँ पे ये अपना आंदोलन कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं भर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। इन्होंने पुलिस प्रशासन ने धक्के के साथ अंदर गाड़ी भराई आज, और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर हमारे ड्राइवर बेकाबू हो गए कुछ भी करते हैं तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, जहाँ हम रोड जाम करेंगे, जहाँ इन ड्राइवरों के साथ जहाँ गाड़ी कोई भी आग लगा सकता है, क्योंकि हम भी अपने घर से रोजी रोटी कमाने आए हैं, हमने अपना परिवार पालना है। हमारी ये बात हुई है कि हम ड्राइवर जितने हैं, जो भी ड्राइवर हमारे साथ मिला हुआ है या रोड पे बैठा है, हमने पूर्ण रूप से बंद किया हुआ था कि हम ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे। जो हमारा आंदोलन था वो स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन है, हमने स्टीयरिंग पे छोड़ दिया है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। कुछ ओनर है, कुछ मालिक है, वो अपनी गाड़ियां भरने या अपने ड्राइवर लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं कि तुम हमारी गाड़ी भरो, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। अन्यथा कई मालिक नई गाड़ी लेके आ रहे हैं भरने के लिए, नए मालिक नए ड्राइवर को लेके, तो हम उनको कहते हैं वो जो भरना चाहता है भरे, हम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना ही हम कोई ना हमारा कोई ऐसा आंदोलन है। हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हमारा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक था और शांतिपूर्वक ही रहेगा। हम बिल्कुल शांति से रोड पे बैठे हैं, जो भाई हमारा साथ दे रहे हैं, 5 दिन से रोड पे भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी MP MLA ने हमें नहीं पूछा, हम वैसे ही शांतिपूर्वक बैठे।